मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो आइए आज जानते हैं कि टायर को खुद से कैसे चेंज करें। वैसे तो ये बहुत आसान काम है, पर सही जानकारी और तजुर्बा समय पर काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को किसी मजबूत बराबर वाली सतह पर खड़ा करें, जैसे कि मैंने इसको खड़ा किया है यहाँ पे सड़क के ऊपर, सड़क के बीच में। फिर अपनी गाड़ी की डिक्की से स्पेयर स्टेपनी बाहर निकालें, जैक रेंच भी बाहर निकाल लें। अगर कभी हाईवे पर गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ जाए तो आई विल सजेस्ट कि अपनी गाड़ी को किनारे लगा लें और इसके इमरजेंसी लाइट्स और रिफ्लेक्टर लाइट्स जला दें। टायर में लगे नट्स को पाने या फिर रेंच की मदद से पहले हल्का ढीला कर लें। पहले इसे ढीला करने के लिए के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप जैक लगा के ढीला करेंगे तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो आपका हो सकता है जैक टूट जाए या फिर गाड़ी इधर उधर हिल जाए। अब बारी है कि हम लोग जैक कहाँ लगाना है, उस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेते हैं। बहुत सी गाड़ियों में जैक के लिए खांचा या फिर स्लॉट बना रहता है, यदि ना हो तो चैसी में भी जैक को हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जैक की मदद से गाड़ी को इतना ऊपर उठाएं कि टायर हवा में लटका हो। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये टायर जो है हवा में लटक गया है और इसके ग्राउंड और टायर के बीच में क्लियरेंस है। अब एक एक करके हम इसके सारे नट्स खोल लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। गाड़ी को मैं थोड़ा सा और ऊपर उठा ले रहा हूँ क्योंकि ये जो टायर जो है वो स्टेपनी और जो स्पेयर व्हील है वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए, तो मैं इसको टायर को मैंने ऊपर उठा लिया है। अब हम लोग हब के बोल्ट्स पे स्पेयर व्हील को लगा देंगे। इस पे फिर नट्स को फिट कर देंगे। नट को धीरे धीरे करके टाइट करेंगे, बारी बारी करके, एकदम से सारे नट को टाइट नहीं करना है, सबको बारी बारी से हल्का हल्का टाइट करें। और अब जैक को बाहर निकाल लें और नट्स को और अच्छे से टाइट कर लें और हमने टायर चेंज कर दिखाया। तो कैसी लगी ये जानकारी? मुझे लगता है ये जानने के बाद आप टायर बदलने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप अपने आप में अधिक विश्वास महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।